स्वागत है आपका मेरे चैनल में अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन है उस पर जरूर क्लिक करिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और बाकी की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्ले में जाइए वहाँ आपको अलग से फोल्डर मिल जाएंगे जिस भी चीज़ की आपको वीडियो देखनी है प्लाजो नेक डिज़ाइन सूट सबके आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे तो अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको प्ले में ही सब मिल जाएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पिंटिस्ट और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं लिंक में चैनल पर दिया हुआ है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आज की वीडियो में हम साढ़े तीन मीटर कपड़े में पैंट और स्लीवलेस कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे तो ये मैंने साढ़े तीन मीटर कपड़ा लिया है इस कपड़े का अर्ज काफ़ी है साठ इंच ही कम से कम इसका अर्ज है इसलिए हमारा साढ़े तीन मीटर कपड़े में ही पैंट और कुर्ती दोनों बन जाएगी अगर आप कपड़े का अर्ज कम है चवालीस इंच है तो फिर आपको करीब साढ़े चार मीटर कपड़े की जरूरत होगी तो सबसे पहले हम कुर्ती कटिंग करेंगे तो उसके लिए कपड़े को हम पूरा खोल लेंगे ये देखिए और इसे हम आधा कट करेंगे क्योंकि इसमें प्रिंट इस तरह से दिया हुआ है और इसका अर्ज काफ़ी है तो इसे हम देखिए एक अर्ज में ही कट कर लेंगे बैक और फ्रंट दोनों ये देखिए ये हमने कपड़े को फोर फोल्ड में रख लिया है और जितना हमारा हिप साइज है उससे करीब दो इंच हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए तो इस हिसाब से आपको ये कपड़ा फोल्ड करना जो हमारी कुर्ती की जो लेंथ है वो 44 इंच हमें तैयार चाहिए और एक इंच हम लेंगे सिलाई के लिए तो 45 पे हम निशान लगा लेंगे तो इसमें नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं है तो फोल्डिंग के लिए हम बाद में अलग से कपड़ा लगाएंगे ये देखिए और इसके बाद चलाएंगे अपने हम शोल्डर का तो ये स्लीवलेस कुर्ती है इसमें ज़्यादा शोल्डर और आर्म होल नहीं लेंगे हम तो मैं साढ़े इंच पर निशान लगाऊंगी शोल्डर के लिए और आर्म होल भी मैं साढ़े छः इंच ही लूँगी तो स्लीवलेस कुर्ती में ज़्यादा आर्म होल नहीं लेना है हमें तो जितना आप नॉर्मल कुर्ती में शोल्डर और आर्म होल लेते हैं उससे आधा आधा इंच आप कम ले तो देखिए हमने शोल्डर और आर्म होल का निशान लगा लिया है तो इस स्टेप को हम आर्म होल वाले पॉइंट पर रखेंगे और एक निशान लगाएंगे हम साढ़े सात इंच पर ये हमारे वेस्ट का निशान होगा और फिर एक निशान लगाएंगे पंद्रह इंच पर ये हमारे हिप का निशान होगा और जो हमें निशान लगाए हुए स्केल से उनको हम सीधा कर लेंगे और अब देखिए निशान लगाएंगे अपने हम चेस्ट का तो मेरे साइज में जो चेस्ट है वो अड़तीस इंच है उसका फोर्थ पार्ट होगा साढ़े नौ इंच तो साढ़े नौ पर हम निशान लगा लेंगे वेस्ट है चौंतीस इंच उसका फोर्थ पार्ट होगा साढ़े आठ इंच और इसमें हम डांट डालेंगे तो उसके लिए हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो हम नौ इंच पे निशान लगा लेंगे और हिप साइज मेरा चालीस इंच है उसका फोर्थ पार्ट होगा दस इंच तो दस पर निशान लगा लेंगे अब जितना हमने हिप पर लिया है उतना ही हम नीचे लेंगे तो दस पर निशान लगा लेंगे अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे और अब आगे हम लेंगे मार्जिन सिलाई के लिए तो वो हम लेंगे दो इंच तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ तरीका ये बॉडी से नाप नहीं लिया है हमने ये कुर्ती का नाप है अगर बॉडी से नाप लेते हैं तो उसका तरीका थोड़ा अलग होता है उसमें हम एक इंच प्लस करते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई डिटेल में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो देखिए निशानों को भी हमने स्केल से इस तरह से मिला लिया है ये देखिए और अब शेप देंगे अपने आर्म होल की तो ये आपको ध्यान से देखना है आर्म होल की शेप किस तरह से देनी है ज़्यादा शेप नहीं देते इसमें हम देखिए यहाँ से हम चलाएंगे इस तरह से डेढ़ इंच पर और ये शेप देंगे हमारी बैक की होगी और हल्की से आधा इंच के करीब ही हम हल्का सा अंदर जाएंगे तो वो फ्रंट की होगी तो इतनी शेप देनी है आपको अब आधा इंच ऊपर हम शोल्डर डाउन जाएंगे तो मार्किंग हमने कर ली है इसे हम कट कर लेंगे तो पहले बैक के ऊपर कट करेंगे और फ्रंट हम बाद में कट करेंगे तो देखिए बैक शेप के ऊपर हमने ये कटिंग कर दी है और ये कट लगा लेंगे वेस्ट पॉइंट पर और हिप पॉइंट पर अब इसमें से हम एक पार्ट निकाल देंगे और निकाल कर जो हमने फ्रंट की गहराई का निशान लगाया था उस गहराई को कर लेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही हल्की सी गहराई की है मैंने अगर ज़्यादा गहराई करेंगे तो साइड से दिखेगा वो अच्छा नहीं लगेगा ये देखिए तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो कटिंग हमारी हो चुकी है कुर्ती की और अब हम कटिंग करेंगे पैंट की देखिए फ्रेंड्स अब पैंट कट करने के लिए मैंने कपड़े को देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया है ये एक बार फोल्ड किया है मैंने क्योंकि बैक अलग कट करेंगे और फ्रंट अलग कट करेंगे हम तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने अपने साइज की पैंट की ड्राफ्टिंग करके रखी हुई है और इस ड्राफ्टिंग की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो उस वीडियो को देख आप पैंट की कटिंग कर सकते हैं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने पैंट की कटिंग नहीं दिखाई है मैंने काफ़ी सारी वीडियो पैंट की अपलोड की हुई है चैनल पर आप भी इसी तरह से अपने साइज़ की ड्राफ्टिंग करके रख सकते हैं पेपर के ऊपर तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और इजीली आप कटिंग हो जाएगी तो देखिए इसे हमने कपड़े के ऊपर रख लिया अच्छे से और पिन से सेट कर दिया इसे ये बैक पार्ट बिल्कुल इसी के साइज़ का हम कट कर लेंगे पहले बैक कट करेंगे उसके बाद हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे तो मैंने ये लोग अपने साइज़ की ये पैंट की ड्राफ्टिंग की हुई है तो देखिए फ्रेंड ये बैक पार्ट हमने कट कर लिया है अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे तो इसको हटा देते हैं और जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम दोबारा से फोल्ड करेंगे देखिए इस तरह से हम दोबारा से फोल्ड कर लिया है और ये फ्रंट पार्ट को हमें रख दिया इसके ऊपर और पिन से अच्छे से हमने सेट कर लिया इसे ताकि ये हिले ना और बिल्कुल इसी के साइज़ का हम कट कर लेंगे मार्जिन कोई लेना है क्योंकि मैंने ड्राफ्टिंग के अंदर ही ऑलरेडी मार्जिन लिया हुआ है बिल्कुल आपको इसी के साइज़ का ये कट करना है आप देखिए जो हमारा ये डाट का पॉइंट है यहाँ हम कट लगा लेंगे क्योंकि हमें डाट डालना पड़ेगा ये देखिए और ये पॉकेट का निशान है उस पर भी हम कट लगा लेंगे तो ये हमने फ्रंट पार्ट भी कट कर लिया है पैंट का पिन को निकाल देते हैं और अब इसकी हम देखिए पॉकेट कट करेंगे देखिए पॉकेट के लिए मैंने कपड़े को डबल करके रखा हुआ है और बिल्कुल इसी के साइज़ की हम पॉकेट कट कर लेंगे तो कटिंग हमारी हो चुकी है मैं इसको सिलना बताती हूँ आपको तो सबसे पहले हम अपना नेक तैयार करेंगे तो ये फ्रंट पार्ट है हमारी कुर्ती का इस पर हम नेक ड्रॉ करेंगे अपना तो नेक की जो चौड़ाई है वो लूँगी मैं साढ़े तीन इंच और जो लेंथ लूँगी मैं वो छः इंच लूँगी और बैक और फ्रंट नेक हम बिल्कुल सेम बनाएंगे यहाँ से भी साढ़े तीन इंच लेंगे और इसे इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे हम शेप देंगे तो इस तरह से मैं राउंड शेप दूंगी ये देखिए और अब इसे हम कट कर लेंगे तो बिना बुकरम के मैं आपको गला बनाना बताऊंगी इसमें आप चाहे तो बुकरम के ऊपर बना सकते हैं तो देखिए नेक कट कर लिया अब इसे फेंकेंगे नहीं है इसी से हम नेक की पट्टी कट करेंगे तो मैंने देखिए नेक बनाने के लिए ये इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है इसे हम डबल करेंगे तो देखिए जो मैं नेक नैक कट किया था उसे हम इसके ऊपर रखेंगे दोनों की बंद वाली साइड एक साथ होनी चाहिए अब बिल्कुल जो भी हमारा ये नेक है इसके बराबर बराबर हम निशान लगा लेंगे हम अब एक निशान और लगाएंगे हम आगे करीब डेढ़ इंच पर इस तरह से राउंड में देखिए अब इसे हम कट कर लेंगे ये बहुत ही इजी तरीका है नेक बनाने का अगर कोई कॉटन का सूट है आपका या फिर फिसलना कपड़ा नहीं है तो उस पर आप इस तरह से नेक बना सकते हैं ये देखिए ये हमने इस तरह से पट्टी कट कर ली नेक के लिए अब देखिए ये हमारी कुर्ती है अब इस नेक के ऊपर हम इसे अच्छे सेट करेंगे इस तरह से देखिए इसमें हम पिन लगा लेंगे ये देखिए ये हमने अच्छे सेट कर दिया है और इस पर हम अच्छे से पिन लगा लेंगे ताकि ये हिले ना सिलते वक्त और अब इसके ऊपर लगाएँगे हम सिलाई तो करीब आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स ये हमने सिलाई लगा ली नेक पर अब इसमें हम लगा लेंगे कट कट भी लगा लिया उसके ऊपर हम लगाएंगे टॉप सीम तो देखिए सिलाई को इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पे इसकी हम सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई आपको जो हमने पट्टी अटैच की है उसी के ऊपर लगानी है कुर्ती वाले कपड़े के ऊपर नहीं लगानी है आपको तो देखिए सिलाई भी हमने लगा ली है अभी हमारा ईजिली फोल्ड हो जाएगा अब देखिए यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और बड़ी सिलाई लगाएंगे इस पर जो कि हम तो के बाद उसे निकाल देंगे इस तरह से पूरे नेक पर हम एक बड़ी सिलाई लगा लेंगे और ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाएगा क्योंकि इस पर हमने टॉप सीम लगा ली है तो देखिए स्लाई भी लगा ली है हमने और ये देखिए हमारा नेक तैयार है अब इसमें हम डालेंगे डार्ट तो मैं इस कुर्ती में बैक और फ्रंट दोनों में डाट डालूंगी तो ऊपर से हम डाट की जो लेंथ लेंगे वो साढ़े दस इंच लेंगे ये देखिए और यहाँ से जो हम चौड़ाई लेंगे डाट की वो हम साढ़े तीन इंच लेंगे लेंथ लेंग में डाट की आठ इंच ले रही है और इसका आधा चार इंच तो नौ इंच तक आप डाट की लेंथ ले सकते हैं अभी तो तीनों पॉइंट हम इस तरह से मिला देंगे इस तरह से देखिए निशान लगा लेंगे ये देखिए अब ये निशान हमें दूसरी तरफ भी चाहिए तो जो हमारे पॉइंट है देखिए इस तरह से हम दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे पॉइंट पे देखिए इस तरह से अब इसको पलटेंगे जो हमारे पॉइंट है उन पॉइंटों को हम मिला लेंगे ये देखिए हमने तीन पॉइंट निशान लगा लिया था अब इनको हम देखिए इस तरह से मिला लेंगे अब इसमें हम डांट डाल लेंगे जिस तरह से हमें निशान लगाया उसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है तो बैक और फ्रंट दोनों में हमें डाँट डालनी है तो देखिए फ्रेंड्स ये डाट डाल डालनी हमने दिखा दी सीधा करके आपको ये देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने बैक पार्ट भी तैयार कर लिया सेम नेक बनाया है हमने लेंथ और फिर सेम रखी है और डांट भी डाल ली है इसमें अब इसके हम शोल्डर अटैच कर लेंगे तो देखिए शोल्डर किस तरह से अटैच करने हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम रखेंगे नीचे और ये हमारा देखिए बैक पार्ट है देखिए पूरा हमने बैक पार्ट फोल्ड किया थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है हमने ऊपर से अब देखिए जो फ्रंट पार्ट है उसे हम बिल्कुल जो शोल्डर की सिलाई है वहां तक रखेंगे और जो हमने बैक पार्ट की पट्टी अटैच की थी उसे हम उसके ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे देखिए इस तरह से हम दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे देखिए तो हमारे देखिए इस तरह से आ जाएगा तो शोल्डर अटैच कर लिए हमने अब जो इसका आर्म होल है उसे रेडी करेंगे तो उसके लिए मैंने ये और एक पट्टी कट की है और डेढ़ इंच मैंने चौड़ाई ली है इसकी और इस लंबी पट्टी मैंने तैयार की है अब इसे हम डबल करके सीधी साइड से रखेंगे पट्टी को और पूरे आर्म होल पर इसे हम अटैच कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना है आपको होल में इस तरह से पट्टी को हम पूरे आर्म होल पर अटैच कर लेंगे हाँ देखिए हमने पट्टी अटैच कर ली है, इसमें हम कट लगा लेंगे इस तरह से और एक सिलाई हम देखिए इसके ऊपर लगा लेंगे टॉप सीम इससे हमारा ये इजीली फोल्ड हो जाएगा जिस तरह से हमने नेक पे लगाई थी सेम इस तरह से भी हम इसमें टॉप सीम लगा लेंगे तो जो सिलाई लगानी है वो हमें पट्टी के ऊपर लगानी है कुर्ती के कपड़े के ऊपर नहीं लगानी है ये देखिए स्लाई भी लगा ली है हमने अभी हमारा उल्टी तरफ बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाएगा तो इस तरह से फोल्ड करके इस पर हम बड़ी स्लाई लगाएंगे क्योंकि इसमें भी हमें तुरपाई करनी है तो इस तरह से आपको दोनों आर्म होल रेडी करने हैं तो देखिए हमने दोनों आर्म होल रेडी कर लिया है देखिए अब इसकी हम फिटिंग करेंगे तो देखिए फिटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से रख लिया इसको और पिन लगा लेंगे बिल्कुल जो हमारे पॉइंट है ये देखिए ये वेस्ट पॉइंट पे और चेस्ट पॉइंट पे और हिप पॉइंट पे मैंने पिन लगा लिया दोनों को बिल्कुल अच्छे से इक्वल करके अब देखिए सबसे पहले हम इसे पूरा नापेंगे और जितना भी आता है उसका हम सेंटर करेंगे देखिए मेरा इस तरह से नापने में पूरा तेईस इंच आ रहा है अब इंच टेप को हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साढ़े ग्यारह इंच इस तरह से हम साढ़े ग्यारह इंच पर कुर्ती का से सेंटर कर लेंगे इस तरह से तो इस तरह से देखिए हमने ये निशान लगा लिया सेंटर में अब इसके बाद जो हमारा चेस्ट साइज है तो मेरा चेस्ट अड़तीस इंच है उसका फोर्थ पार्ट होगा साढ़े नौ इंच तो साढ़े नौ इंच पे निशान लगा लेंगे लाइन के हम दोनों तरफ साढ़े नौ नौ इंच पे निशान लगा लेंगे तो इस तरह से आपको फिटिंग का निशान लगाना है वेस्ट हमारी है चौंतीस इंच उसका फोर्थ पार्ट होगा साढ़े इंच तो लाइन के दोनों तरफ हम साढ़े सात इंच पर निशान लगा लेंगे हिप पे चालीस इंच उसका फोर्थ पार्ट होगा दस इंच तो लाइन के दोनों तरफ हम दस दस इंच पे निशान लगा लेंगे अब जो भी हमें निशान लगाए उनको हम मिला लेंगे दोनों साइड से देखिए अब जो हमें निशान लगाया उस पर हम सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई लगा लेते हैं इस पर तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सिलाई लगा ली है फिटिंग की ये देखिए मैं दिखाती हूँ सीधा करके आपको देखिए ये हमारी फिटिंग हो गई है कुर्ती की ये देखिए अब इसका हम नीचे से फोल्ड और चाक रह गए हमारे इसके ये देखिए तो फोल्डिंग के लिए हमें अलग से कपड़ा लगाना होगा नीचे क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं था तो मैंने देखिए पट्टी कट की हुई है करीब ढाई इंच चौड़ी मैंने पट्टी कट की हुई है ये तो बैक और फ्रंट दोनों में इसे हम अटैच करेंगे तो देखिए सीधी साइड से इसे हम रखेंगे पट्टी को उल्टा रखेंगे और कुर्ती हमारी देखिए सीधी साइड होगी कुर्ती की तो इस तरह से रख कर आपको इस पर सिलाई लगानी है और फिर टॉप सीम लगा के और फिर उसे बैक तरफ फोल्ड करना है जिस तरह से हमने आर्म होल रेडी किया उसी तरह से इसमें हम पट्टी लगाएंगे इसमें सिर्फ हम सीधी पट्टी कट की है हमने तो दोनों बैक और फ्रंट दोनों में हम इस तरह से पट्टी लगा लेंगे और इसके चाक फोल्ड कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने इसके चाक भी फोल्ड कर लिए और नीचे भी इसमें हमने देखिए पट्टी अटैच कर ली है दोनों में तो कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है अब हम पैंट को सिलेंगे तो इसे हटा देते हैं तो देखिए हमारी पैंट है सबसे पहले हमें इसके आसन ज्वाइंट करनी है बैक और फ्रंट दोनों के तो देखिए तो सीधा इससे हम अंदर की तरफ करेंगे ये हमारी पैंट का देखिए फ्रंट पार्ट है दोनों तो सीधे इसे दोनों तरफ करके इस तरह से इसके हमें आसन ज्वाइंट करने हैं ये देखिए यहाँ से और बैक पार्ट के भी हमें इस तरह से आसन ज्वाइंट करने हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने आसन ज्वाइंट कर लिए बैक और फ्रंट दोनों के ये देखिए इधर इस तरह से अब बैक पार्ट को हम हटा देंगे और जो फ्रंट पार्ट है इसमें हम सबसे पहले डाट डालेंगे तो डाट के लिए देखिए हमने कट लगाए हुए थे कट तो हमें लगा दिए थे अब लेंथ का हम निशान लगा लेते हैं तो इसमें हम पैंट में डाट डालते साढ़े चार इंच पर तो जो हमने कट लगाया हुआ था वहाँ से हम डाट की लेंथ लेंगे साढ़े चार इंच दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे डाट के लिए ये देखिए इस तरह से और डाट में करीब आपको एक एक इंच कपड़ा दबाना है तभी आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगा कि बेल्ट जो है ये देखिए डार्ट के निशान लगा लिए चलती है मशीन की तरफ तो देखिए फ्रेंड्स ये डार्ट के निशान लगा लिए हम लगाएंगे सिलाई इस पर तो देखिए इस तरह से जब आप करोगे फोल्ड तो करीब आपको एक इंच कपड़ा दबाना चाहिए ये देखिए इस तरह से और इस तरह से तेजी सिलाई लगानी है डांट पर आपको तो दोनों डांट हमने डाल लिए अब इसकी पॉकेट अटैच करेंगे तो मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियो में पॉकेट अटैच करना बताया हुआ है तो वहाँ से आप देख सकते हैं पॉकेट किस तरह से लगानी है तो ये देखिए पॉकेट मैंने लगा ली है अब इसकी हम बेल्ट रेडी करेंगे तो पहले हम पूरा नाप लेते हैं ऊपर से हमारा कितना आ रहा है तो मेरे जो साइज़ में जो वेस्ट है वो छत्तीस इंच है और ये हमारा एक इंच एक्स्ट्रा करके उन्नीस इंच आना चाहिए ये देखिए ये बिल्कुल मेरा उन्नीस इंच परफेक्ट आ रहा है तो देखिए मैंने इस तरह से ये लेंथ में उन्नीस इंच कपड़े के ऊपर पेस्टिंग चिपकाई हुई है और इस तरह से मैंने कपड़े की जो चौड़ाई वो चार इंच ली है और आधा इंच ऊपर छोड़ के मैंने पेस्टिंग को चिपकाया हुआ है ये देखिए जब आप इसे फोल्ड करोगे देखिए फोल्ड करके देखिए इस तरह से जहाँ तक हमारी पेस्टिंग है वहाँ पर हम चौक का निशान लगा लेंगे देखिए निशान लगा लिया है हमने अभी से हम अटैच करेंगे अपने फ्रंट पार्ट में तो ये हमें उल्टी साइड रख कर अटैच करना है और जिस साइड पेस्टिंग नहीं लगी हुई है वहाँ से हमें ये अटैच करना है तो जो निशान हमने लगाया था चौक से उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है तभी आपकी बेल्ट एकदम परफेक्ट आएगी तो देखिए इस तरह से हम इसमें पूरे पे सिलाई लगा लेंगे अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी पैंट या कुर्ती बहुत ही अच्छी बनेगी तो देखिए जो हमने पॉकेट अटैच की थी पॉकेट भी हमारे इस बेल्ट के अंदर ही आ जाएगी अगर आपको पूरा डिटेल में पैंट कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो लिंक आपको मिल जाएगा तो देखिए हमने बेल्ट अटैच कर दी है अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सीधी साइड देखिए सिलाई को अंदर करते हुए हम बेल्ट को फोल्ड करके इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी बेल्ट आई है पूरी बेल्ट पर हम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने बेल्ट भी लगा ली है अपनी और पॉकेट भी लग गई है हमारी डाट भी डल गई है अब जो हमारा बैक पार्ट है उसे हम इसके साथ अटैच करेंगे तो देखिए बैक पार्ट है तो अटैच हम नीचे से स्टार्ट करेंगे करना ऊपर से नहीं करेंगे नीचे से स्टार्ट करेंगे ये देखिए इस तरह से तो पूरा ऊपर तक हम बिल्कुल हमें अटैच नहीं करना है थोड़ा सा ऊपर हम खुला छोड़ेंगे क्योंकि हमें बैक पार्ट में भी पट्टी अटैच करनी है अपनी तो देखिए थोड़ा सा हम खुला छोड़ देंगे देखिए इस तरह से करीब एक से डेढ़ इंच तो देखिए हमने दोनों साइड से अटैच कर लिया है और देखिए थोड़ा और दोनों साइड से हमने ये थोड़ा थोड़ थोड़ा खुला छोड़ दिया है अब बैक पार्ट में हम लास्टिक के लिए पट्टी अटैच करेंगे तो पूरा हम पीछे का जो पार्ट है उसे नाप लेंगे और जितना भी हमारा आता है उसके बराबर हम एक पट्टी कट करेंगे इसके बराबर हम पट्टी कट कर लेंगे तो देखिए मैंने ये इस तरह से एक पट्टी कट की हुई है और चौड़ाई में मैंने इसे साढ़े चार इंच लिया है अब तो इसे हम देखिए सीधी साइड से रखेंगे पट्टी को बेल्ट हमने उल्टी साइड से अटैच की थी पट्टी को हमें सीधी साइड रखकर अटैच करना है तो देखिए ये अटैच कर लिया है हमने इसके ऊपर एक टॉप सीन भी लगा ली ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए हमारा और अब इसे हम करेंगे फोल्ड तो ध्यान से देखना है किस तरह से फोल्ड करना है आपको तो देखिए हमारा जो आगे वाला पार्ट है इसके बराबर हमारे ये आना चाहिए तो बिल्कुल देखिए इस तरह से आप इसके बराबर रखते हुए इसमें फोल्ड करके पिन लगा ले तो साइडों से आपका ज्यादा फोल्ड होगा कपड़ा और जो बीच में से कपड़ा आपका कम फोल्ड होगा जो सिलाई है उसी के ऊपर हमें आधा इंच फोल्ड करते हुए पिन लगानी है सिर्फ साइडों से हमारा एक्स्ट्रा फोल्ड होगा और देखिए दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से आगे के बराबर करके पिन लगानी है इसमें और अब इसके ऊपर लगा लेंगे हम सिलाई और फिर इसमें डालेंगे हम इलास्टिक ये देखिए सिलाई लगा लेंगे इसमें और देखिए फिर मैंने ये इलास्टिक लिए इलास्टिक को भी डाल लेंगे और इलास्टिक आपको जितनी आपकी वेस्ट है उससे करीब पांच से छह इंच कम लेनी है में छत्तीस वेस्ट है उसका हाफ होगा अट्ठारह इंच और अट्ठारह में से हम तीन इंच माइनस कर लेंगे तो मैं पंद्रह इंच की मैंने इलास्टिक ली है क्योंकि हमें एक साइड डालनी है तो इसको सेफ्टी पिन के हेल्प से इसमें हम डाल लेंगे सिलाई लगाने के बाद तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने इलास्टिक भी डाल ली है और एक स्लाई इसको खींच कर भी लगा ली हमने इसके ऊपर अब जो साइडों से हमने खुला छोड़ा था इसमें हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों से इसे सिलाई लगा बंद कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने दोनों साइडों से सिल लिया है और ऊपर से पैंट बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है अब इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे तो बॉटम भी आपको ध्यान से देखना है किस तरह से फोल्ड करना है अगर इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपका जो बॉटम है ऊंचा नीचा नहीं होगा बिल्कुल इक्वल आएगा तो आपको ये सेंटर से फोल्ड करना है पहले तो हमने देखिए ढाई इंच लिया था फोल्डिंग के लिए तो पहले हम इंच टेप से ढाई इंच पे निशान लगा लेंगे देखिए इस तरह से और सेंटर से हम जो हमारी सिलाई है यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे देखिए ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है पहले आपको सेंटर से और सबसे पहले यहाँ पिन लगानी है आपको और उसके बाद आप साइडों में पिन लगाइए ये देखिए तो जिन लोगों को दिक्कत आती है बॉटम में ऊंचा नीचा होता है अगर आप इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपका बॉटम ऊंचा नीचा नहीं होगा बिल्कुल इक्वल आएगा आपका सबसे तो पहले सेंटर से आपको पिन लगानी है अब दोनों बॉटम पर हम सिलाई लगा लेंगे देखिए सिलाई भी लगा ली है हमने अब इसकी हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाई तो इसका बॉटम मैं रखूँगी सात इंच इसका बॉटम रखूँगी मैं तो सात निशान लगा लूँगी अब देखिए आपको एकदम से सिलाई तिरछी नहीं करनी है आपको हल्का हल्का कम करते 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 आपको आसन की तरफ तक आपको आधा इंच तक पहुंचना है तो ध्यान से देखिए आपको किस तरह से फिटिंग की सिलाई लगानी है देखिए आप यहाँ से देखिए इस तरह, तरह से निशान लगाएंगे और हल्का हल्का सा कम करते हुए आसन की तरफ हम आधा इंच तक छोड़ेंगे और सिलाई हम पूरा एक साथ नहीं लगाएंगे पहले एक साइड से हम स्टार्ट करेंगे और आसन तक सिलाई लगाएंगे और फिर दोबारा से हम दूसरी साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर सिलाई हम आसन तक लगाएंगे इस तरह से आपको ये सिलाई लगानी है इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपका आसन जो ऊंचा नीचा होता है वो नहीं आएगा बिल्कुल इक्वल से आपकी बिल्कुल सिलाई आएगी और अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे सिलाई तो निशान देखिए हमें लगा लिया है ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इनको ध्यान दे गए, आप तो आपकी पैंट बहुत अच्छी बनेगी तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सिलाई भी लगा ली है मैं दिखाती हूँ आपको सीधा करके इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे दिखाती हूँ पूरा रेडी होने के बाद इसको तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने इस पर प्रेस वगैरह लगा ली है देखिए कितनी अच्छी देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी ये पेंट बनी है और पहनने के बाद भी इसका आप लुक देख सकते हो किस तरह से इसका लग रहा है ये देखिए हमारी कुर्ती है ये देखिए अगर इस कुर्ती और पैंट में कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मैं रिप्लाई जरूर करूँगी आपका और जो ये पैंट मैंने बताई है आपको ये बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको तो आप ज़रूर ट्राई करें तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें वहाँ पर भी मैं अपनी डिज़ाइन की छोटी छोटी वीडियो डालती रहती हूँ तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैं मेंशन की हुई है तो प्लीज़ मुझे वहाँ भी फॉलो करें अगर आपको और आप भी पेंट प्लाज़ो की वीडियो देखनी है फानी सलवार के देखनी है तो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय